कई बार देखने में आता है कि दीपक जलाते समय बार बार बुझ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल ज्योतिषी के मुताबिक घर में वास्तु दोष होने पर दीपक बार बार बुझ जाता है। ये किसी अशुभ संकेत को भी बतलाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बसंत सोने ने लोकल एटिंग को बताया है कि दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है। दीपक का बार बार बुझना किसी घटना का अशुभ संकेत भी होता है। ये वास्तु दोष की वजह से ही होता है। अगर दीपक अच्छे से जल रहा है तो इसका मतलब होता है कि पूरे घर में और दीपक लगाने वाले के जीवन में अच्छे संकेत प्राप्त होंगे। इसलिए जब भी नया घर बनाएं तो वास्तु का हमेशा ध्यान रखें। घर का निर्माण कराने से पहले किसी ऐसे किले का भ्रमण जरूर करें जो वास्तु के अनुसार बना हो, जैसे जोधपुर का घराना, जयपुर का घराना, सिंधिया घराना। ये घराने इस बात का उदाहरण है कि इनके महल और किले वास्तु के अनुसार बने हैं, क्योंकि इन राजा महाराजाओं के परिवार आज भी अस्तित्व में हैं, किले आज भी टिके हुए हैं। वरना कई ऐसे राजाओं के किले हैं जो वास्तु के अनुसार नहीं बने थे, वे आज नेस्त नाबूद हो गए हैं, उनके नामो निशान तक लोगों को पता नहीं है। बहुत अच्छी बात पूछी है पांडे जी आपने। मकान वास्तु के अनुसार बनता है जब आदमी अपना अच्छा जीवन जीता है। यदि मकान में वास्तु दोष होगा तो ये घटनाएं होती है। दीपक का बार बार बुझना किसी अशुभ संकेत की घटना को बताता है। दीपक का बुझना शुभ नहीं माना जाता है। दीपक यदि अच्छे प्रज्वलित हो रहा है, मतलब पूरे मकान में प्लस दीपक लगाने वाले के जीवन में अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन दीपक का बुझना कहीं से कहीं तक अच्छे संकेत नहीं देता है। किलों के अंदर घूम के हमको वहाँ के वास्तु को समझना चाहिए। उसी प्रकार से मकान के अंदर हम वास्तु के अनुसार मकान बनाते हैं, तो आग्नेय कोण में किचन यदि हमारा होता है तो खाना बनाने वाली जो गृहिणी होती है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और ईशान कोण के ऊपर यदि मंदिर बनता है जो भगवान का स्थान होता है तो पूर्व दिशा से जिधर से सूरज निकलता है उधर भगवान को हम बिठाते हैं और उसी दिशा के अंदर हम दीपक भगवान के मंदिर में रखते हैं। हर प्रकार की शुभ तरंगे उत्पन्न होकर वो मकान में वास्तु दोष को समाप्त करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि उचित दिशा में सही जगह पर दीपक को स्थापित किया जाए, जिससे वहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों को स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन ध्यान की प्राप्ति हो और अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिले। ज्योतिषी ने बताया है कि जब भी घर का निर्माण कराएं तो हमेशा मंदिर ईशान कोण पर होना चाहिए, अग्नि कोण में किचन होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुख होना चाहिए, इसी दिशा में दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के शुभ तरंगे उत्पन्न होती है और घर में वास्तु दोष से समाप्त होता है। इस खबर में दी गई जानकारी शास्त्रों के आधार पर ज्योतिषाचार्य द्वारा बताई गई है। लोकल एटिन किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।